नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल 9 उपाय, जिनमें से अगर आपने एक भी उपाय अगर कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी किस्मत बदल जाएगी, किस्मत चमक उठेगी। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऐसे बहुत से आसान एवं छोटे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे उपाय के बारे में या तो जानते नहीं हैं और यदि जानते हैं तो इन पे विश्वास नहीं करते। इन उपायों पर विश्वास करने से पहले जरूरी है स्वयं पर विश्वास करना। यदि ये उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जल्दी ही आपको ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता दे जा रहे हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की हर मुश्किल सुलझ जाएगी और ये छोटे छोटे उपाय आपके पूरे जीवन को बदल के रख देंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ पल देखकर 3 बार चेहरे पर हाथ से फेरें। अपने हाथ को अपने चेहरे पर 3 बार आपको घुमाना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे का जो भाग है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाने के बाद आप रोटी में से पहली रोटी गाय को दे दें। धर्म ग्रंथ के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अगर हर दिन गाय को रोटी दिया जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का नष्ट होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपको मनोकामना पूर्ति में मदद करेंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों अर्थात पुष्पों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि पुष्प ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्नान करके तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें। नंबर 5 पर है, सुबह के समय ही झाड़ू पोछा करना चाहिए एवं घर को हमेशा साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करके सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी ऐसे घर में निवास बिल्कुल नहीं करती हैं और वहां से रूठकर चली जाती हैं। नंबर 6 पर आता है, मछलियों को आटे की जो छोटी गोलियां होती हैं वो बनाकर आप खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी, कुछ भी आप चुन लें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हो, वहाँ जाकर आटे की गोली मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती है। नंबर 7 पर है, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। रोज घर से जब भी आप बाहर निकलें तो उससे पहले माता पिता और घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और सुखद फल देने लगेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाले जो भी संकट हैं वो टल जाएंगे और आपके जो काम हैं वो बहुत ही आसान रूप से चलने लगेंगे। नंबर 8 पर है, पीपल पर जल चढ़ाएं।
रोज सुबह स्नान करने के बाद पीपल पर एक लोटा जल आप जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इस वृक्ष का महत्व इसी बात से जाना जाता है कि अर्जुन को गीता का प्रवचन देते हुए भगवान कृष्ण ने खुद को पेड़ों में पीपल बताया है। नंबर 7 पर आता है, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। तो दोस्तों, यह थे 9 सरल लेकिन अचूक उपाय। इनमें से किसी भी एक उपाय को आप अपने जीवन में चुन लीजिए और रोज़ उसे करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप रोज़ कोई भी एक उपाय कर सकते हैं और आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखने लगेंगे। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं, करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला उपाय ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।